आरंभ प्रचंड, लक्ष्य विशाल। मेगा मिशन विपक्ष परिवार। भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है, ये सब एक हो गए हैं। 4 जून को होगा 400 पार। 4 जून, 4 जून, 4 जून। तीसरी बार बंपर जीत की उम्मीद और संकल्प के साथ बीजेपी सियासी समर में पूरी ताकत के साथ कूद पड़ी है। बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में प्रचार की कमान संभाली है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के प्रचार में जुटे हैं। तीसरी पारी में मोदी सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। कल ही पीएम मोदी ने चुरू में मेगा रैली को संबोधित करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार के लिए जनता से वोट मांगा था। आज एक बार फिर पीएम मोदी राजस्थान की मरुधरा पर होंगे। राजस्थान में टारगेट 25 को हासिल करने के लिए पीएम मोदी आज अजमेर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी से पहले गृहमंत्री शाह ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का प्रचार किया और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा तय है। पीएम मोदी आज सहारनपुर में रैली करेंगे। रैली के जरिए वेस्ट यूपी के वोटर्स को साधेंगे पीएम मोदी। सहारनपुर कैराना में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करेंगे पीएम। मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद होंगे। सहारनपुर के बाद अजमेर में दोपहर 2:30 बजे पीएम की रैली होने वाली है। अजमेर के बाद गाजियाबाद में शाम 5:15 बजे पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। मेरठ में पीएम की रैली के बाद पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी की ये दूसरी बड़ी रैली होगी। पीएम मोदी लगातार रैलियों में विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं और जनता को मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। वहीं पीएम मोदी के आने से पहले गाजियाबाद के अंबेडकर रोड के मालीवाड़ा से लेकर चौधरी मोड़ तक की सूरत और सीरत बदल चुकी है। पीएम मोदी के गाजियाबाद आने से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। हर तरफ पीएम के रोड शो की चर्चा है। करीब 30 लाख मतदाताओं को साधने के लिए पीएम मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री का रोड शो अंबेडकर रोड के मालीवाड़ा चौक से शुरू होगा। मालीवाड़ा से जटवाड़ा कालका गढ़ी होते हुए चौधरी मोड़ तक पहुंचेगा। हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, किसी गमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना से
शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। वैसे गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 15 सालों से गाजियाबाद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2009 में राजनाथ सिंह ने 43.34% वोट लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, तो वहीं 2014 में बीजेपी ने वीके सिंह को मैदान में उतारा। वीके सिंह भी 56.51% वोट से विजयी रहे। साल 2019 में एक बार फिर वीके सिंह मैदान पर उतरे और इस बार 61.93% वोट के साथ जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लेकिन इस बार बीजेपी ने अतुल गर्ग पर भरोसा जताया है और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि अतुल गर्ग भी सभी रिकॉर्ड को तोड़ कर जीतेंगे। बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी भी मैदान पर हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा इसका फैसला 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। देश में 2 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी ने आज पूरे देश में परचम लहरा दिया है और इस बार तो 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी। अब ये देखना होगा कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी किस तरह से चुनाव में जीत हासिल करती है। फिलहाल ये 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए रिपोर्ट। छह अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। कभी लोकसभा में 2 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी आज देश के 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार में है। वहीं 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल है। एक वक्त था जब बीजेपी को चुनाव में महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और आज बीजेपी का सूरज बुलंदियों पर है। अब की बार 400 पार का नारा फिजा में गूंज रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में आम चुनाव में अपने लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। 1980 में स्थापना के बाद सन 1984 में बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। देश भर में कुल 224 प्रत्याशी मैदान में उतारे, लेकिन बीजेपी को कुल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और 1989 में बीजेपी ने 225 प्रत्याशी मैदान में उतारे, जिनमें 85 सीटों पर जीत मिली। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 2 गुने से भी ज्यादा यानी 468 प्रत्याशी उतारे। 1991 में बीजेपी को 120 सीटों पर जीत मिली थी और देश भर में उसका वोट शेयर 20% के पार पहुंच गया था। 1999 में हुए चुनाव में पार्टी को 182 सीटें मिली और वोट शेयर 23% को पार कर गया। लेकिन 2009 के बाद बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत हुई और 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लेती है, जिसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिला और अकेले दम पर बीजेपी 214 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। 2009 के बाद से बीजेपी के लगातार बढ़ते जनाधार का श्रेय जाता है देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को, जिनका मूल मंत्र है जनता की सेवा और जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। पीएम मोदी ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है और बताया कि देश की महिला, किसान, युवाओं के साथ भारत की सुरक्षा का भी उन्होंने किस कदर ख्याल रखा है। आप सब माताएं बहने हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, इसी गमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान,